देखना, दर्शन करना। गुजरात के एक कारपेंटर भक्त कह रहे थे, बहुत प्रवचन सुना, मेरी पत्नी और मैं दोनों मिलके बहुत उन्नति भी किया। काम करता हूं, रुमाल से सिर में मोबाइल बांध लेता हूं, प्रवचन होता रहता है, काम करता रहता, जी भरता ही नहीं। उनकी वाइफ कह रही थी कि मैं भोजन बनाती हूँ तो प्रवचन सुनती हूँ, सब्जी काटती हूँ तो सुनती हूँ, बर्तन मांजती हूँ तो पड़ोस में मोबाइल रख कर सुनती रहती हूँ, अलग से टाइम कम मिल पाता है, झाड़ू लगाती हूँ तो सुनती हूँ। वाल्मीकि ने जब राम की प्रेम को देख करके, वाल्मीकि राम से ही पूछते हैं, राम आश्रम अच्छा लगा आपको? तो राम कहते हैं, सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव ने। हे ऋषिवर, आपका सुंदर और पवित्र आश्रम देखकर मेरे नयन खुश हो गए, दिल गदगद हो गया। ऐसा आश्रम, पीके इंटर कॉलेज के लेक्चरर और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लखीमपुर से आए थे 3 दिन पहले, पहली बार आए। पीके इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बिमल चंद्र जी महान भक्त हैं गुरुदेव के, बहुत सत्संग सुनते। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में फर्स्ट नंबर का आश्रम, लेकिन गुरुदेव कहीं ये सिटी के पास होता तो ज्यादा लोगों का कल्याण होता, थोड़ा दूर है, हम जानते ही नहीं थे, हम तो सोचते थे ऐसे छोटी मोटी कुटिया होगी, जैसे प्राय साधुओं की कुटिया मिलती। तो मैंने कहा मैं कुटिया सुटिया बनाता ही नहीं, मैं लेटेस्ट बनाता हूँ, 10 साल और भविष्य आगे सोचता हूँ। ओल्ड मॉडल बनाने का क्या मतलब? कभी दुकान बनाइए ओल्ड मॉडल से मत बनाइए, मकान बनाइए ओल्ड मॉडल नहीं, घर में सामान रखिए ओल्ड मॉडल नहीं, सब गोल्ड मॉडल और न्यू मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, आनंद आ जाना चाहिए, आश्रम भी सुंदर बनाइए। वाल्मीकि जी ने इतना सुंदर आश्रम बनाया है, भगवान राम नयनों से दर्शन करते हैं और हर्षित हो जाते हैं। याद रखना, आश्रम यदि सुंदर है और पवित्र है, आने वाले संत और भक्त हर्ष से भर जाते हैं। आश्रम गंदा है, अपवित्र है, उल्लुल जुल्लुल बना हुआ है, असुविधाएं हैं, आने वाले भक्त का मन हर्ष से नहीं भरता है, संत का मन भी हर्षित नहीं होता, मन में थोड़ा सोच होता है कि आश्रम कमजोर है। मेरे पास एक और भक्त का फोन आया, बोला कि आपके प्रतिभा के अनुसार अब आश्रम रेडी हुआ है। बोले ये 20 साल पहले बनना था, जिस लेवल का आपका सत्संग है आपका आश्रम बड़ा कमजोर था। मैंने कहा मैं भी कमजोर ही हूँ। बोले नहीं, आश्रम का भी महत्व है और घर का भी बहुत बड़ा महत्व, अपने घर को गृहस्थ आश्रम में आश्रम समझकर A to Z उसका एक एक सामान यथास्थान सेटिंग से संभाल कर रखो। इसका नाम गृह भक्ति है और सासू के प्रति भी प्रेम और करुणा रखो। मन में सोचो, मैं बहू हूँ, मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन मेरे सासू ने, मेरे ससुर ने, मेरे पति ने, देवर ने, मेरी जेठानी ने इस घर को कितना संवारा है, पसीना बहाकर, पैसे कमाकर, बचाकर,
इस घर को इतना सुंदर बनाया है, कम से कम इस घर को मैं साफ सुथरा तो रख सकती हूँ। सुंदर इन्होंने बना दिया है, स्वर्ग बनाना मेरा काम है। किसी गुरु ने आश्रम सुंदर बनाया हो, शिष्यों का धर्म है कि उसको स्वर्ग बनाइए। बहुओं का धर्म है उस घर को स्वर्ग बनाइए। वहां कलह कलेश मत कीजिए, राग द्वेष मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, मंद मंद मुस्करा कर रहिए, दौड़ दौड़ कर काम कीजिए, हर कार्य की फिक्र कीजिए। आज मेरे पास में वो संत जी आए, बोले सायंकालीन भंडारा के जो भंडारी हैं गुरुदेव, तो कुछ बढ़ा दिया जाए भंडारी क्या? हमने कहा बढ़ा दो, प्रशासक जी हैं हमारे, आओ मेरे पास आ जाओ। ये छोटा सा संत है, बहुत दुबला पतला है, भूखे प्यासे रहता है, ये बहुत फिक्र रखते हैं, बहुत फिक्र रखते हैं, प्रेमी बहुत है, रेसे दौड़ते हैं, एक छलांग में चार सीढ़ी चढ़ते हैं, चार छलांग में पूरा ऊपर पहुंच जाते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। वास्तव में ए टू जेड समस्त कार्यों की फिक्र करने वाला तुम्हारे घर का ऐसा सितारा है, ऐसी चमकदार वो महिला है जो घर के लोगों को निश्चिंत कर देती है। सबकी फिक्र रखना, और जो सबकी फिक्र रखता है फिर कुदरत उसकी फिक्र करती है, ये प्रकृति उसकी फिक्र करती है। जिसको तुम ईश्वर कहते हो, परमात्मा कहते हो, भगवान कहते हो, उसको मैं नेचर कहता हूँ, प्रकृति कहता हूँ, ये उसकी फिक्र करती है, उसको उस योग्य बनाती है। तो शिवरी राम के दर्शन और करना चाहती है, और शिवरी कहती है हे राम थोड़ा रुको,